अगर आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और हमारे अमल में हुस्न पैदा हो, हमारे रवैयों में खूबसूरती आए और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, तो उसमें आप रिफ्क नरमी, हिल्म बुर्दबारी और अनात मुआमला फहमी और लोगों के साथ जो है वो खूबसूरती कलाम में, खूबसूरती रवैयों में और खूबसूरती मुखालतत की और जो हमसायगी के दोस्ती के हुकूक हैं, जिस तरह वालदेन के हुकूक हैं, जिस तरह इज़दवाजी हुकूक हैं, जिस तरह आपके हमसायों के हुकूक हैं, इस तरह आपकी दोस्तियों के भी हुकूक हैं। अपनी लहजों को नरम रखें, इनमें तलखी ना आए, सब वो शतम से मना किया गया है और मामूली मामूली बातों पर पकड़ करने से रोका गया है। और अगर ये रवैये बचपन में पैदा हो जाएं तो बाज़कात फिर वो फितरत सानिया बन जाती है, आदत बन जाती है, और फिर जब आप बड़े होंगे तो वो आदतें वहाँ भी छूट नहीं पाएंगी, क्योंकि वो इस माहौल में आपके साथ जुड़ गई थी। किसी की टो में लग जाना, किसी की गलतियाँ निकालने की सोच में रहना, किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में रहना, किसी की तजलील करने के ख्याल में रहना, देखिए अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको फूल में भी कोई चीज़ नज़र आ जाएगी, कोई नक्श निकल आएगा, और अगर आप अच्छाइयाँ ढूंढने निकलेंगे तो आपको कांटों के भी कोई फ़ायदे नज़र आने लग जाएंगे कि इनसे भी ये फ़ायदे वाबस्ता हैं। इसलिए आप अच्छाइयाँ ढूंढिए। वो एक साहब थे तो वो कहते, मैं एक बुज़ुर्ग के पास गया मिलने के लिए और मैं उनसे एक बुराई को नोट किया, एक उनकी खामी को नोट किया, फिर मैं दूसरे बुजुर्ग के पास गया तो एक खामी मैंने उनकी नोट की, इस तरह 99 बुजुर्गों के पास गया, और जब 100वें बुजुर्ग के पास गया और मैंने कहा हजरत मैं 99 बुजुर्गों के पास गया हूँ और मेरी नीयत ये थी कि मैं उनसे बैत हूँ, लेकिन हर एक की एक एक खामी से मैं आगाह हुआ और अब आपके पास आया हूँ और कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ। और मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरी नज़र बड़ी बारीक है, मैं बहुत तेज़ हूँ, तो मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, आप भी मोहतात रहिए। तो वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि उनसे तो एक एक खामी मिली है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, मैं तो सरापा ऐब हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ कि तू उन 99 आदमियों के पास गया, साल लगा, 2 साल लगे, एक एक खामी तूने जमा की, अब तेरे पास 99 खामियों का ज़खीरा है, काश के तू एक एक खूबी जमा करता रहता, तेरे पास 100 खूबियों का ज़खीरा मौजूद होता। इसलिए अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको कांटों से भी खूबसूरती मिल जाएगी। तो ये अपने अंदाज़े नज़र को, अपना कशकोल ठीक रखे तो फिर उसमें खैर पड़ेगी। खुद मा सफ़ा व दा मा कदर, हमें एक ज़ाब्ता दिया गया है, आप जहाँ भी जाए अच्छी चीज़ ले लें और जो बुरी है वो वहीं फेंक दें, बात ख़त्म। हम अच्छी फेंक आते हैं और बुरी जो है वो सीने से लगा लेते हैं और सारी ज़िंदगी उसी दलदल में फंसे रहते हैं। जो बंदा अखलाक के एतबार से खुद अच्छा नहीं है तो वो ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक लाजमी चीज़ है कि हम जिस मनसब पे भी होंगे साथ उसने खुलक जुड़ा हुआ होगा, दुध अंदर जे खंड लाइए मज़ा हो जावे दूना, तो फिर स्वाद आ जाएगा, लुत्फ आ जाएगा, लेकिन अगर दूध भी हो तो उसमें बदखुलकी की कड़वाहट डाल दी जाए तो फिर आप डॉक्टर हैं, आप मुहद्दिस हैं, आप मुदक्किक हैं, आप मुफक्किर हैं, आप मुफ्ती शहर हैं, आप अल्लामा हैं, आप पीर तरीकत हैं, आप शोहर हैं, आप बाप हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन ये सब के साथ बदखुलकी की कड़वाहट और तलखी शामिल हो गई तो आपका सारा मनसब ज़ाया हो गया। तो बुनियाद क्या है? आपका खुल्क अच्छा होना चाहिए, आपके लब मीठे होने चाहिए, तो मीठे बोल बोलो, लहजों में जमाल पैदा करो, रवैयों में तलखी ना आने दो, खूबसूरती पैदा करो और अपने अंदाज़े ज़िंदगी को मुरतब करो, खल्के खुदा के साथ अच्छे रवैये रखो, बिलखसूस अपनी दोस्तियों में एक अच्छे दोस्त बन के उभरो और अपने क्लास फेलोज के अंदर एक अच्छे क्लास फेलो के रूप के अंदर आगे आओ। पीर के दिन आने वालों, जुमा के दिन आने वालों, तुम भी जब यहाँ से जाओ तो तुम्हारा अंदाज जो है वो मिठास से भरा हुआ हो, तुम्हारे लफ्ज़ों से खांड निकल रही हो, शक्कर टपक रही हो तुम्हारे हरफों से,
और मिठास तुम्हारे लहजों में घुली हुई हो और तुम बात करो तो प्यार फैलता चला जाए और मोहब्बत फैलती चली जाए। हाँ, जहाँ कहीं सख्त बात करनी होती है वो भी एक मौका होता है, लेकिन अमूमी रवैयों की मैं बात कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू हम सब को तौफीक अता फरमाए और जो कहा जा रहा है उसको समझने की, रूहों में उतारने की, अमल का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए।